हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना जायकेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन यानी मसाला बैंगन की रेसिपी। ये हरे बैंगन है, ये बहुत अलग तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये गीला नारियल। इसमें ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं है और ये बहुत जल्दी बनती है। थोड़ा सा इसको पेशेंस से बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए देखते हैं क्या लिया है हमने। ये मैंने 500 ग्राम्स बैंगन लिए हैं, बिल्कुल कौले, छोटे साइज के लीजिएगा, ऐसे छोटे साइज के, एकदम कौले, ताकि वो जल्दी गलेंगे। हम इसमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ग्रेवी भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। ये मैंने एक छोटा बाउल भर के गीला नारियल टुकड़े काट के रखा है। हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मैंने हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा ली है, 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है। 1 हैंडफुल फ्रेश धनिया, कोरिएंडर, यानी हल्दी का भी हमने बहुत कम इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने हल्दी आधे चम्मच से भी, आधे टीस्पून से भी कम ली है। ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा खटास के लिए अमचूर पाउडर मैंने लिया है। धनिया पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया है। गरम मसाला लेंगे, नमक आपके टेस्ट के अनुसार, और फ्राई करने के लिए ऑयल। तो सबसे पहले हम गीला नारियल, हरी मिर्ची और ये फ्रेश धनिया मिक्सर में पीस लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने मिर्ची और नारियल का पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है मैंने। ये बैंगन भी ऐसे काटे हैं मैंने, आप देख सकते हैं, पीछे डंडी से बिल्कुल साफ कर दिया है और 4 कट लगाए हैं मैंने, सॉरी 2 कट लगाए हैं मैंने। अभी इसमें हम ये ड्राई पाउडर मसाले सारे भर देंगे। ये हल्दी पाउडर, ये अमचूर पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून, ये नमक लेंगे आपके टेस्ट के अनुसार, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बैंगन में भर के पैन में 2 कड़छी ऑयल हम गरम करेंगे और ऑयल में ये मसाला भर के बैंगन छोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे मसाला हम इसमें भरेंगे। सारे बैंगन में इसी तरह भर लेंगे। बैगन धो के साफ करके डंडी से काट के फिर इसमें एक आड़ा और खड़ा 2 कट लगाइए। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मीडियम गैस में इसको पकाइए, पैन में। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बना सकते हैं, 1 या 2 विसल में हो जाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मसाला बैंगन की रेसिपी बहुत ऑथेंटिक है। ये सारे बैंगन हमने मसाले में लगा दिए हैं। ये थोड़ा मसाला बच गया है, इसको हम पहले भून लेंगे। पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, ये मसाला डाल देते हैं। इसको 2 मिनट भून लेंगे, उसके बाद में हम सारे बैंगन डाल देंगे। हमने मसाले तो सारे ही डाल दिए थे, अभी हमें कुछ नहीं डालना है। तो 2 मिनट भून लेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए।
ये थोड़ा मसाला भून गया है, अब हम इसमें बैगन डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर से और गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। इसको बीच बीच में पलटते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए बीच बीच में हमें इनमें कड़छी चलानी है, नहीं तो नीचे मसाला चिपकेगा, जल जाएंगी। ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाएंगे कड़छी इसमें और हल्का सा पानी डाल के पकाएंगे। ये हमारे बैगन मसाले में थोड़े भून गए हैं, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा पानी। ये मैंने आधा ग्लास पानी लिया है क्योंकि हमें ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, ये ग्रेवी वाले नहीं बना रहे हैं। और गाइज एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो बैगन हम हरे कलर में बना रहे हैं वो बैगन बनाने के लिए हमें ये हरे ही कलर के बैगन लेने हैं। बैगन दो तीन कलर के आते हैं, एक ब्लैक भी आते हैं, ग्रीन आते हैं और प्रॉपर बैगनी कलर के भी होते हैं, तो हमें सिर्फ ग्रीन ही कलर के बैगन चाहिए। चलो इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। ये देखिए हमारे बैगन, सुपर स्पेशल बैगन, भरवा बैगन बन के तैयार है। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है ना, ये गले या नहीं मैं आपको चेक करके बताती हूँ। इसको ज्यादा नहीं फेरना है, हल्के हाथ से बस ऐसे ऐसे कड़छी से चलाते रहिए, वरना ये टूट जाते हैं। ये देखिए हम फोक से इसको चेक कर रहे हैं, ये पूरी तरह पक गया है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हमने धनिया गरम मसाला पहले ही इसमें पीस लिया था, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सर्विंग बाउल में हम डाल के सर्व करेंगे। तो कैसी लगी हमारी ये ऑथेंटिक भरवा बैगन की रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ में। गुड बाय फ्रेंड्स।